तो वेलकम एवरीवन। गामा फंक्शंस के हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे बहुत सारे। उन प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो डायरेक्ट गामा फंक्शन की डेफिनेशन पे क्वेश्चन डिपेंड करते हैं, जो हमने साइन और कॉस में पढ़ी थी गामा फंक्शन की डेफिनेशन, तो एक फॉर्मूला था जिस पे हमने क्वेश्चंस किए थे। तो वो ये सारे क्वेश्चन है जो 0 से π/2 लिमिट पे अप्लाई होते हैं, साइन की पावर m और साइन कॉस की पावर n, इस टाइप से जो हमारा फॉर्मूला है उसके हमने ये सारे क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं पिछली वीडियोज़ में। और एक जो इसका एक और मॉडिफाइड फॉर्म था कि जब लिमिट 0 से π लगी होती है, π/2 नहीं है, तो हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट जो इसका बचा है पार्ट, वो ये वाला पार्ट है कि इस वाले फॉर्म में अगर क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं कि इंटीग्रेशन का जो फॉर्म है वो इस तरह से है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का, तो वो आप इंटीग्रेशन में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो वो डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में भी आप इसको गामा फंक्शन यूज़ करके और इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज गामा फंक्शन के अंदर तो इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि गामा फंक्शन पर जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं MCQ क्वेश्चन वो इस तरह के ही बनते हैं, जो हम फॉर्मूले पे या फॉर्मूले में कुछ मॉडिफाइड करके फॉर्मूले को और कुछ रिजल्ट यूज़ करके हम उस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं। तो जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे वो तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे डिपेंड करने वाले थे कि फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी। इसमें हमको थोड़ा सा कंसेप्ट भी अप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन हैं जो आज हम सॉल्व करेंगे कि ये वेरिएबल में लिखे हुए हैं, एलजेब्रिक फॉर्म में क्वेश्चन होंगे, और लिमिट जो भी 0 से 1, 0 से कॉन्स्टेंट कुछ भी अगर लगी है और उसको हमको वो गामा वाले फॉर्म में अगर हम इसको ट्रांसफर कर सके तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एक्स की पावर 4 √a² - x² dx। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, और अब इसका जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन की लिमिट भी 0 से π/2 नहीं है, साइन कॉस का फॉर्म भी नहीं है, लेकिन अगर हम उस तरह से इसको कुछ बना सकें कि ये √a² - x² है। अब हमको यहाँ पे जो भी पूरा इस क्वेश्चन का जो बेस डिपेंड करता है वो पूरा करता है कि हम इसमें किस तरह से वैल्यूज़ पुट करते हैं या किस तरह से इसको चेंज करते हैं फंक्शन को। तो देखो, जब भी इस तरह का फॉर्म कभी भी दिया हो कि a² - x² या 1 - x² या x² - 1, इस तरह की जब चीज़ें लिखी हुई होंगी तो वहाँ पे हम साइन और कॉस वाली जो प्रॉपर्टी है या जो इनइक्वलिटी है वो हम अप्लाई करते हैं, जो sin² + cos² = 1 होती है। तो यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो जैसे यहाँ कांस्टेंट है तो साइन के साथ एक कांस्टेंट भी लगा देंगे जो यहाँ पे है, तो ये बन जाएगा 1 - a², यहाँ पे ये बनेगा 1 - sin²θ, a² कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको इस तरह से पुट करना है, तो x का मान रख देंगे a sin θ, dx की वैल्यू चाहिए तो इसका डिफरेंशिएशन भी कर लेंगे साथ के साथ, तो dx = a cos θ d θ। देखो, इस ये वैल्यू रखने पे हमारा जो लिमिट है इंटीग्रेशन की वो 0 से π/2 बन जानी चाहिए, क्योंकि 0 से π/2 बनेगी तो ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखो, जब x यहाँ पे 0 रखेंगे लोअर लिमिट, तो साइन थीटा में 0 पे होता है, और a रखेंगे तो ये a से a कैंसिल 1 टाइम आएगा, तो sin θ = 1, और sin θ 1 होता है π/2/2। तो dx की वैल्यू आ जाएगी, dx की वैल्यू, और हम लिमिट अप्लाई कर देंगे इस पे 0 से π/2, तो ये लिमिट अप्लाई हो जाएगी, और इसके बाद में मान रख देंगे 0 से π/2, x की पावर 4 की जगह a की पावर 4, साइन की पावर 4, और √a² की जगह a² - a² sin²θ, ये बन जाएगा। और dx की वैल्यू और रख देंगे इसके साथ में, हमने dx की वैल्यू नहीं लिखी है यहाँ पे, तो dx की वैल्यू आ जाएगी a cos θ d θ। तो यहाँ पे ये देखो बनेंगे, जो जो पहले कांस्टेंट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे पहले, तो ये 1 की घात 4 और 1 ये 5 और 1 की घात यहाँ से मिलेगी, क्योंकि ये a² बाहर आएगा तो 1 बार आएगा, यहाँ पे 1 घात ही बचेगी, तो फिर ये 5 और 1 6 घात हो जाएगी टोटल। तो ये 6 घात a की, 0 से π/2 लिमिट, साइन पे 4 घात है, ये 1 - sin²cos² बन जाएगा, और स्क्वायर बाहर आएगा तो 1 घात में ही आएगा, तो 1 और 1 ये cos 1 बार और है, तो cos की बनेंगी 2 घात और ये d θ। ठीक, अब ये बन गया फॉर्मूला कि साइन की पावर
एम थीटा और कॉस की पावर एन थीटा डी थीटा। यहाँ पे जानते हैं एम प्लस वन बाई टू और एन प्लस वन बाई टू लिखते हैं, तो ये चार प्लस एक पाँच बटा दो हो जाएगा, ये दो प्लस एक तीन बटा दो, और ये अपॉन में टू इंटू एम प्लस एन प्लस टू बाई टू, तो ये चार दो छः दो आठ और बटे दो, तो ये आ जाएगा गामा फोर। सरल करने का तरीका सिखाया हुआ है कि एक कम करके हम लिखते जाते हैं, तो पाँच बटे दो में से फिर तीन बटे दो, एक बटे दो, और एक बटे दो को गामा के अंदर लिखेंगे तो वो अंडर रूट पाई। ऐसे ही गामा थ्री बाई टू का वन बाई टू और अंडर रूट पाई, तो अंडर रूट पाई मल्टीप्लाई होके हो गए पाई। ये सारे रिजल्ट और ये सारे कंसेप्ट पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, तो अगर कोई डायरेक्ट आप ये वीडियो पढ़ रहे हैं तो उसके लिए पिछली वीडियो ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट हैं। एक क्वेश्चन सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह तो सॉल्व होता नहीं है, उसमें बहुत सारे पिछले वाले कंसेप्ट हमारे यूज़ होते हैं, तो स्टार्टिंग से पढ़ें इसके रिजल्ट और उसके बाद में ये क्वेश्चन आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। और अब जो कैंसिल होगा वो कैंसिल आउट कर देंगे और बाकी की जो चीज़ें बचेंगी उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आंसर आएगा पाई ए की पावर सिक्स अपॉन 32। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये है, तो जहाँ जहाँ भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या वन माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म दिखेगी तो हमको हमेशा साइन थीटा ही पुट करना है, कांस्टेंट है तो उसके साथ कांस्टेंट और अप्लाई कर देंगे। तो डी एक्स की वैल्यू आ गई ए कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट आएगी जीरो से पाई बाई टू, वैल्यूज़ रख देंगे ये पाँच बटे दो घात ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह रखेंगे साइन स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर पे घात अप्लाई होगी पाँच बटा दो, तो एक स्क्वायर पे पाँच बटा दो घात अप्लाई होगी, तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा और एक की घात पाँच बचेगी, तो एक की घात पाँच यहाँ पे ये ऐसे कैसे बाहर, फिर ये वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा, वैसे ही स्क्वायर जो है वो टू से वन बाई टू से कैंसिल हो जाएगा और कॉस की भी पाँच घात बचेगी, और डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, उसके बाद में कॉन्स्टेंट सबको निकाल लेंगे बाहर, जीरो से पाई बाई टू लिमिट साइन पे जितनी घात टोटल हो रही है वो जैसे यहाँ पे दो घात, और कॉस पे जो टोटल होगी उसको कॉस पे लिख देंगे। अब हमारा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई करते ही और इसको सॉल्व करना हमको आता ही है कि ये बना गामा थ्री बाई टू, ये गामा सेवन बाई टू और अपॉन टू इंटू गामा फाइव, वैल्यूज़ रख लेंगे। पूर्णांक में जब भी गामा होता है तो एक कम होके फैक्टोरियल के अंदर आ जाता है, जैसे ये गामा फाइव है तो गामा फाइव जो है वो पूर्णांक के अंदर बनेगा फैक्टोरियल फोर, और फैक्टोरियल फोर की वैल्यू जानते हैं फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, तो वो हमने यहाँ अप्लाई की है। थ्री बाई टू का वन बाई टू अंडर रूट पाई, और सेवन बाई टू का फाइव बाई टू, थ्री बाई टू, वन बाई टू और अंडर रूट पाई, अंडर रूट पाई अंडर रूट पाई मिला के पाई हो गया, और गुणा करके इनका आंसर आ जाएगा पाँच पाई ए की घात आठ बटे 256। तो इस तरह से हमको जब भी कभी भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या वन माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म दिखे तो हम हमेशा साइन थीटा अप्लाई करेंगे उसके साथ में, और जो ये है वो फंक्शन जो है वो पूरा गामा के अंदर चेंज हो जाएगा। सेम ऐसे ही ये दो क्वेश्चन और हैं, इसमें आप देखो लिमिट जीरो से वन है, एक्स की कुछ पावर है, यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर नहीं है, वन माइनस एक्स है, तो इसके लिए क्या ध्यान रखना है कि जब वन माइनस एक्स वाली फॉर्म मिले तो आप साइन की जगह साइन स्क्वायर पुट कर देंगे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर रख दिया, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, टू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा, और साइन जब भी रखते हैं तो लिमिट जीरो से पाई बाई टू बन जाएगी इस फॉर्म में, और ये यहाँ पे सॉल्व होगा। देखो ये तीन बटे दो घात साइन स्क्वायर पे तीन बटे दो घात अप्लाई होगी, तो दो से दो कट जाएगी और तीन घात बचेगी, ऐसे यहाँ पे ये वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से टू कैंसिल हो जाएगा और कॉस क्यूब बचेगा, क्यूब और एक घात ये, तो कॉस की चार घात हो गई, तीन घात और एक घात ये, तो साइन की भी चार घात हो गई, और इसके बाद तो सिर्फ गामा हल करना है जिसका आंसर आ गया थ्री पाई अपॉन 128। सेम ऐसा ही इसी का भी पार्ट है ये क्वेश्चन का कि जीरो से वन एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स है, वन माइनस एक्स होगा तो हम साइन स्क्वायर पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर पुट करने पे जो फॉर्म बनेगा वो ये वाला कि यहाँ पे साइन स्क्वायर पे दो घात और, तो दो और दो चार घात हो गई, ये वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर पे एक बटे दो घात लगाएंगे तो कॉस बचेगी, और कॉस एक ये और ये कि ये, इस तरह से कॉस की दो घात, और यहाँ पे फिर हम गामा सॉल्व कर देंगे तो आंसर आएगा, ये आप नोट कर सकते हैं इनको कि इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। एक इसी का एक पार्ट और है ये क्वेश्चन का, ये भी आप नोट कर सकते हैं, इसमें भी वही वाला फॉर्म है कि सेम वही पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है ये भी कि वन माइनस एक्स की घात है तीन बटा दो, जब भी वन माइनस एक्स होगा तो साइन स्क्वायर रखना है, और ये इस तरह से जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा और आंसर थ्री पाई अपॉन 128।
एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अब वन माइनस या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस वाला कैसा भी फॉर्म नहीं है, यहाँ पे है टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको किस तरह से रखें कि अंडर रूट यहाँ से जो है अंडर रूट कैंसिल हो जाए और जो वैल्यू है वो पूर्णांक में या जो सिंपल घात में जो है यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बच जाए। देखो इन वाले क्वेश्चन का हमारा पैटर्न क्या है कि अंडर रूट के अंदर जो वेरिएबल हैं या जो भी एलजेब्रिक फंक्शन है उस पर हम टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस तरह से पुट करेंगे कि वो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो सॉल्व हो के गामा का जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा और अंडर रूट यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। तो मेन तो फिलहाल काम क्या है कि अंडर रूट को सॉल्व करना और लिमिट को जीरो से पाई बाई टू बनाना, ये हमारा मकसद है। हमको उस तरह से ही यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पुट करना है कि लिमिट बने जीरो से पाई बाई टू और अंडर रूट यहाँ से हट जाए। अब वो हटेगा कैसे, उसके लिए आपको दिमाग लगाना है कि किस तरह से, क्योंकि कुछ फंक्शन में तो याद रख सकते हो, अगर भूल जाते हो तो भी तो फिर यहाँ पे उस तरह से वो जो है सोचने की क्षमता आपको रखनी चाहिए कि किस तरह से हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, तो ये अंडर रूट भी हट जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा और लिमिट भी बन जाएगी जीरो से पाई बाई टू। तो देखो यहाँ पे एक्स है, अगर एक्स की जगह हम साइन थीटा रखेंगे तो ये साइन थीटा, और यहाँ पे अगर साइन थीटा रहेगा तो कभी भी अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो साइन थीटा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसको इस तरह से ये रखना है क्योंकि साइन और कॉस सॉल्व जब भी होते हैं तो कॉन्स्टेंट उनके साथ नहीं होना चाहिए, तो वो कॉन्स्टेंट हटाने के लिए जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है ये बाहर कब आएगा, जब इसका स्क्वायर बने, और इसका स्क्वायर कब बनेगा कि इसी के जैसा यहाँ रख दें कि 2a को पहले कांस्टेंट बराबर करो कि x की जगह 2a रख देंगे तो ये 2a का स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर है तो ओवरऑल 2a का स्क्वायर हो ही जाएगा, तो ये भी 2a का स्क्वायर बनेगा, ये भी 2a का स्क्वायर बनेगा और कॉमन लेके और बाहर आ जाएगा यहाँ से। तो और एक x, अब x की एक घात तो रख नहीं सकते क्योंकि एक घात रखेंगे तो अंडर रूट से बाहर नहीं आएगी, इसलिए हम रखेंगे साइन की दो घात, तो दो यहाँ रखेंगे तो यहाँ चार हो जाएगी, पहले से स्क्वायर है तो वो हम चार हो जाएगी तो वो सॉल्व हो जाएगी यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टेंट हम बराबर करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे पुट किया एक्स बराबर टू ए साइन स्क्वायर थीटा, जिससे ये स्क्वायर बन जाए और साइन स्क्वायर बाहर आ जाए। तो पुट करने के बाद में हमारा काम है कि हमको डिफरेंशिएशन करना होता है, डिफरेंशिएशन करना इजी है इस तरह के फंक्शंस का, तो ये 2a कांस्टेंट साइन का 2 साइन थीटा कॉस थीटा 2 मल्टीप्लाई हो गया 4a हो गया, और लिमिट अप्लाई करेंगे देखो वही कि यहाँ जब जीरो रखेंगे तो ये तो कांस्टेंट है तो साइन थीटा जीरो कब आएगा, जीरो पे, और साइन थीटा 2a रखेंगे तो 2a से 2a कैंसिल होके 1 बचेगा, और साइन थीटा 1 कब आएगा, पाई बाई 2 पे, तो इसलिए लिमिट बनी जीरो से पाई बाई 2, तो लिमिट जीरो से पाई बाई 2 बननी चाहिए और अंडर रूट यहाँ से कैंसिल होना चाहिए, ये दो काम करने हैं हमको। तो वैल्यूज़ अब रख देंगे x की, तो x की रख दी, यहाँ पे अंदर रखेंगे अंडर रूट के, तो ये 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4a स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा, और ये dx का मान है, यहाँ से देखो जब कॉमन बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे 4a स्क्वायर बाहर आएगा और अंडर रूट से बाहर निकलने में वो बन जाएगा 2a, तो 2a इंटू 8a क्यूब और इंटू 4a, ये सारे मल्टीप्लाई होके a की तीन घात ये है, एक इसमें से बाहर आएगी चार और एक ये, तो टोटल पांच घात हो गई, 8 दो यहाँ से 16 और 16 को 4 से गुणा करेंगे तो 64। अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ कॉस बचेगा और एक कॉस यहाँ पे है तो कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर, 6 घात साइन की यहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ से बाहर निकलेगी साइन स्क्वायर, यहाँ से भी तो कॉमन निकलेगा, ये साइन स्क्वायर कॉमन निकालेंगे हम तो साइन की एक घात बाहर आएगी, फिर ये 7 हो जाएगी और एक ये, तो साइन की टोटल घात हो गई 8। अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बनेगा गामा 9 बाई 2 और गामा 3 बाई 2 और ये बनेगा 2 इंटू गामा 6, तो ये सारा सॉल्व होने के बाद इस तरह से सॉल्व करने का पैटर्न है ये इसका, 9 बाई 2 का 7 बाई 2, 5 बाई 2, 3 बाई 2, 1 बाई 2 और अंडर रूट पाई, और 3 बाई 2 का 1 बाई 2 और अंडर रूट पाई, जो गुणा होके पाई हो गया, तो आंसर आएगा 7 पाई ए की घात 5 अपॉन 8। इसी के जैसा ये क्वेश्चन और है, इसको इसका तो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, नोट कर लेना कि किस
तरह से करना है, और या फिर खुद कर सकते हैं, खुद करके चेक कर सकते हैं कि आंसर आपका इस तरह से ही आपने किया है कि नहीं किया है। तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। वही पुट किया है हमने 2a साइन स्क्वायर थीटा, और जो लिमिट है वो 0 से पाई बाई 2 बन जाएगी, और आंसर आएगा यहाँ पे 45 पाई a की घात 8 बटे 256। तो ये तो प्रोसेस है ये वाले क्वेश्चंस का। एक क्वेश्चन का पैटर्न और बचा है इसमें, और वो जो क्वेश्चन है वो है इस वाली फॉर्म का कि जब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर कहीं लिखा हुआ मिलता है तो हम साइन थीटा पुट कर देते हैं, 1 माइनस एक्स के टाइप का लिखा हुआ मिलता है तो हम साइन स्क्वायर पुट कर देते हैं, और जब जो दो जगह एक्स का फंक्शन है तो वहाँ हमको उस तरह से पुट करना है कि अंडर रूट हट जाए और लिमिट भी 0 से पाई बाई 2 बन जाए। और एक जो पैटर्न बचा है वो बचा है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो जब कभी भी इस तरह का फंक्शन दिखेगा, इसमें आपको लिमिट हमेशा मिलेगी 0 से लेके इन्फिनिटी। बाकियों में जैसे हमको 0 से 1, 0 से a, 0 से 2a वो कांस्टेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ये वाला फॉर्म जब भी होगा तो लिमिट हमेशा 0 से इन्फिनिटी मिलेगी। उस लिमिट को हमको 0 से पाई बाई 2 में चेंज करना है। तो जब कभी भी इस तरह का पैटर्न होगा तो आपको पुट करना है टेन थीटा, क्योंकि 0 से अनंत की लिमिट, 0 से अनंत टेन थीटा का मान होता है कि 0 से शुरू हुआ और पाई बाई 2 पे जो टेन थीटा होता है वो होता है इनफाइनाइट। तो इसलिए यहाँ पे हम, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और 1 प्लस में जो इनइक्वलिटी बनती है वो टेन की बनती है, कि जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम पुट करेंगे x बराबर टेन थीटा, तो dx बन जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और जो लिमिट है टेन 0 पे 0 होता है और टेन इनफाइनाइट होता है पाई बाई 2 पे, तो लिमिट बनेगी 0 से पाई बाई 2, एक्स की घात 4, 10 की घात 4, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस 10 स्क्वायर, और 4 घात, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर sec स्क्वायर बनेगा, sec स्क्वायर पे 4 घात और, तो sec की 8 घात हो जाएगी, यहाँ 10 की 4 घात, और ये dx का मान रख दिया हमने यहाँ से, तो ये sec की 2 घात और, तो ये यहाँ लिख दी हमने। अब इस पूरे को साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, तो ये बनेगा साइन की घात 4 बटे कॉस की घात 4, और ये सेक की 2 घात है। अब देखो ये साइन की घात 4 और बटे कॉस की घात 4, ये तो 10 का मान हो गया, यहाँ पे सेक 2 ऊपर है और 8 नीचे हैं, 6 बचेंगे नीचे, और वो 6 को हम कॉस लिख सकते हैं ऊपर ले जाके, तो ये कॉस 6, क्योंकि sec थीटा को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, 6 घात बचेगी तो वो 6 घात ऊपर चली जाएगी तो कॉस बन जाएगी। अब यहाँ से ये देखो 4 घात से 4 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगी कॉस की 2 घात, और अब ये फॉर्मूला बन गया गामा का, तो यहाँ पे हम गामा अप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा पाई बटे 32। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, ये आप खुद सॉल्व करके देखेंगे कि जो पुट करना है हमको वो करना है x बराबर a tan थीटा, a tan थीटा रखेंगे, तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो लिमिट होगी वो 0 से इन्फिनिटी ही होगी, हाँ इसको करेक्ट कर लेंगे। तो इसके बाद में यहाँ पे इस तरह से पुट करना है, और जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही लिमिट बनेगी 0 से पाई बाई 2, और इसको सॉल्व करेंगे टेन स्क्वायर को, तो ये sec स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा, और जो भी आंसर आएगा आपका वो आंसर ज़रूर कमेंट करें और ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखें। इसके अलावा अब गामा पे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बुक के अंदर बच गया है, लगभग ए टू जेड सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं गामा के। उसके अलावा भी अगर कोई समस्या है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, वीडियो का फीडबैक ज़रूर शेयर करें।